हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी टमाटो रसम बनाना बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी सूप होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके लिए मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं, जिनको अच्छे से धोकर काट लिया था। साथ ही हम इसमें गुड़ का यूज़ करेंगे, जैगरी, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ले लेंगे नमक टेस्ट के अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत थोड़ा सा हमने पेस्ट लिया है। ये सांभर मसाला या रसम पाउडर है जो बाज़ार में पैकेट मिलता है, हल्दी पाउडर। आप प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें सभी चीज़ों को हम एक एक करके डाल देंगे। आप देखिएगा कितनी जल्दी, मरनी मुश्किल से 5 मिनट में ये हमारा तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। जो हम टमाटर सूप नॉर्मली बनाते हैं, कि जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी क्रीमी टमाटर सूप बनाना बताया था, जैसे रेस्टोरेंट टाइप, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है और एकदम ये डाइजेस्टिव भी होता है, बनाने में बहुत आसान है। अब एक एक करके हमने इसमें सभी मसाले डाल दिए हैं। अब इसमें 1 गिलास हम पानी डाल देंगे, उसके बाद हमें इसे बॉईल करना है। तो मैक्सिमम 5 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। हमें कुकर का ढक्कन बंद करना है, उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। देखिए, हमने कुकर को बंद कर दिया है, 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट बाद इसको खोला। अब हमें इसको अच्छे से पीसना है, यानी एक बार हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे तो एकदम ये एकदम महीन पेस्ट इसका बन जाएगा। इसको छान लिया, अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हमने ली है राई चम्मच, पत्ता, साथ ही हम थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे, हींग और आधा नींबू। तो एकदम इतना अच्छा लगता है, ये डाइजेस्टिव होता है और एकदम इसको गरम गरम हमें पीना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया हमने, तड़का तैयार कर रहे हैं। हींग डाली, राई डालेंगे, कड़ी पत्ता डाला, इसको चला देंगे। तो देखिए, हमारा बिल्कुल तड़का भी हमारा तैयार है। इसी में थोड़ी सी हम काली मिर्च भी डाल देंगे। तड़का हमारा तैयार है। इसको हम, जो हमारा पल्प है, यानी जिसको हमने छान के रखा हुआ था पीसने के बाद, इसको थोड़ा हम पतला ही रखते हैं। तड़के को इसमें डाल देंगे। अब सूप हमारा बिल्कुल तैयार है, टमाटो रसम। इसको गरम गरम हम सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही एकदम डिफरेंट टेस्ट होता है इसका और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बनाने में बहुत आसान है। सूप और भी तरह की मैंने बहुत सारी रेसिपी सूप की डाली हुई हैं, जो आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। आंवले का सूप, आंवले पालक का सूप है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नई नई डिश देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इसी तरीके से बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सिंपल रेसिपीज़ अपने चैनल पर डाली हुई हैं। अगर हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।